मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां लगभग दो दिन के मासूम बच्चे का शव रीवा के संजय गांधी अस्पताल परिसर के पीछे कचरे के ढेर में मिला है, जहां कुत्ते मृतक बच्चे के शव को अपना निवाला बनाकर खा रहे थे। रीवा शहर के अमहिया थाना क्षेत्र के संजय गांधी अस्पताल की है, जहाँ संजय गांधी अस्पताल के पीछे एक नवजात बच्चे का शव देखा गया। नवजात बच्चे का शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना अमहिया थाने को दी गई। अमहिया थाने की पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची, जहां कचरे के ढेर के पास पड़े नवजात बच्चे के शव को जानवर अपना निवाला बना रहे थे, जिसे मौके पर कब्जे में लेते हुए शव का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा। वहीं स्थानीय जनों के द्वारा बताया गया कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तभी यहाँ पर कुछ कुत्ते आपस में लड़ने लगे। कुत्तों की आवाज सुनाई दी तो बच्चों ने पास जाकर देखा तो एक नवजात बच्चे की लाश पड़ी थी, जिसे आवारा कुत्ते खा रहे थे। वहीं बच्चों ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी तो मौके पर जमघट एकत्रित हो गया और इसकी सूचना मैया थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लावारिस हालत में पड़े मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रखवा दिया है और हॉस्पिटल में बच्चे का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि संजय गांधी अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद बच्चे को फेंका गया है। इस पूरे मामले की हकीकत जांच के बाद ही सामने पाएगी। बहरहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है और बच्चों के परिजनों का पता लगाने के लिए हाल ही में हुई पूरी डिलीवरी की जानकारी संजय गांधी के गायनी विभाग से ली जा रही है। पुलिस को शंका है कि बच्चे की डिलीवरी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ही हुई है। हाल ही में हुई डिलीवरी की लिस्ट को खंगाला जा रहा है। लगभग ऐसे 5 बजे के आसपास है, बच्चे लोग देख रहे थे कुत्ता मतलब काट रहा था उसको, तो बच्चे लोग देख रहे थे, घूम रहे थे, अब खेल रहे थे, तो वही आके देखे उन लोग, तो आके हमको सूचना दिए, तो हम जाके देखे जाके तो इंसान का बच्चा निकला, तो तुरंत पुलिस को कॉल कर दिए। जानकारी आप यहाँ की स्थानीय रहवासी? हाँ, यहीं की है। तो पुलिस कितने मिनट बाद आई? हो गया आधे घंटे बाद आ गई है। अच्छा।